नमस्कार। अपने चैनल पे कविताएं पढ़ने का सिलसिला फिर से शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है इस बार भी आपको ये कविताएं पसंद आएंगी जैसे पहले आई थी। बात अगर पिछले साल की करें तो पिछला साल सिर्फ कोरोना की वजह से खराब नहीं रहा था, बल्कि वो साल हमारे बीच से कई मशहूर और अच्छे कलाकार लेकर चला गया। उन्हीं कलाकारों में से एक थे दमदार शायर और लाजवाब गीतकार राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी साहब सिर्फ अपने फन के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। वो जाने जाते हैं जो सत्ता में मगरूर लोग बैठे हैं उनको खुलेआम स्टेज से चैलेंज करने के लिए। और उन्हीं की गजल से आज मैं आगाज करने जा रहा हूं। गजल इस प्रकार है। सवाल घर नहीं बुनियाद पर उठाया है, सवाल घर नहीं बुनियाद पर उठाया है, हमारे पांव की मिट्टी ने सर उठाया है। हमेशा सर पे रही एक चट्टान रिश्तों की, हमेशा सर पे रही एक चट्टान रिश्तों की, यह बोझ वो है जिसे उम्र भर उठाया है। मेरी गुलेल के पत्थर का कारनामा था, मेरी गुलेल के पत्थर का कारनामा था, मगर यह कौन है जिसने समर उठाया है। यही जमी में दबाएगा एक दिन हमको, यही जमी में दबाएगा एक दिन हमको, यह आसमां जिसे दोष पर उठाया है। बुलंदियों को पता चल गया कि फिर मैंने, बुलंदियों को पता चल गया कि फिर मैंने हवा का टूटा हुआ एक पर उठाया है। आगे सुनिए। महाबली से बगावत बहुत जरूरी थी, महाबली से बगावत बहुत जरूरी थी, कदम यह हमने समझ सोच कर उठाया है।